लोगों की मौत इस आतंकवादी हमले में हो गई है। बंगाल में पहला फेज हो चुका है, जबरदस्त चुनावी संग्राम चल रहा है, लेकिन अब असली लड़ाई नंदीग्राम पर है। देखते हैं नंदीग्राम का संग्राम। 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा, नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाए। खेलते होवे, जीतते होवे, और बीजेपी के खाली करते होवे कि उसे तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। बंगाल चुनाव के बीच होली पर रंग तो चल रहे हैं, लेकिन आरोपों के ये रंग हैं, जुबानी दाव पेच के रंग हैं, विजय के दावे के रंग हैं, रैली से लेकर रोड शो तक के रंग हैं। नंदीग्राम में तो चुनावी होली में भरपूर रंग ही रंग हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में डटी हुई हैं, रैली से लेकर रोड शो तक चुनावी रंग में बरसा रही हैं। तो कल अमित शाह भी वहाँ पहुँचेंगे, शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में डटे हैं ताकि विजय का रंग उनके लिए ही उड़े। और ये चारों तस्वीरें उसी रंग की हैं, और अब ये तीन तस्वीरें हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत वहां पर हुई है और इस पर बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। आपको याद होगा इस महिला के साथ मारपीट, काफ़ी हंगामा हुआ था, हो हल्ला हुआ था, और अब बीजेपी कार्यकर्ता की मां की मौत हो गई है। और इस मौत पर बीजेपी एक बार फिर से टीएमसी को घेर रही है। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है, तो उधर ममता बनर्जी जो हैं वो इनकार कर रही है कि बीजेपी साजिश कर रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं का ये बीजेपी के साथ झगड़ा नहीं था, बल्कि ये आपसी झगड़ा है। लेकिन चुनाव जबरदस्त नंदीग्राम में, और 1 तारीख को यहीं पर बंगाल की सबसे हॉट सीट पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर 24 परगना में हमले का शिकार हुई बीजेपी के स्थानीय नेता की 85 साल की बुजुर्ग मां शोभा मजूमदार की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं पर शोभा जी की पिटाई का आरोप लगा था, हालांकि टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि वो तो पहले से बीमार थीं। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो गया है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट हर डेथ, एनी डेथ इज वेरी सैड, बट हर डेथ हैड नथिंग टू डू विद द इंसिडेंस ऑफ altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. West Bengal is ruled by such a government where the mother, 80 years old, was subjected to killed, murdered only for the reason because her son is doing Bhatiya Janata. Simply, she was just opposing assault on her son. And she was subjected to fist blow and all types of injuries happened to her face and head. এক কথা আমি তো অনেকবার বলেছি, মা তো আগাগোড়াই রুপি দিল, তারপরে এই দিন আমার ঘরে ভেঙে আমাকে মারে, মারার পরে মারে ও তারা কি করে তা ভর্তি মা হাতিতে ভর্তি ছিল, কলকাতায় ছিল ভর্তি। হ্যাঁ কলকাতা। আচ্ছা, তাহলে পরে ওখানে ট্রিটমেন্ট কে দিচ্ছিল, সব চিকিৎসার খরচ কে দিচ্ছিল সব? আমার তো এইখানে কেউ নেই। হ্যাঁ, এবং আমার কর্মী এরা আমার সঙ্গেই ছিল, ওরাই ইয়ে করেছে, হ্যান্ডেলিং করেছে ব্যাপারটা, আমি ঠিক ভালো বলতেও পারবো না। টুইট করে বলছেন বেঙ্গল কা কে হাল হ্যায়, তোমারা ইউপি কা কে হাল হ্যায়, তোমারা আকাশ কা কে হ্যায়, দিল্লি কা কে হ্যায়, রাজস্থান কা কে হ্যায়, তখন কি অমিত স্যার মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে, না ঠুটো জগন্নাথের মতো ফুটকা হয়ে বসে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না? আর বাংলা কিছু দেখলে টুইট করছে, জীবনে টুইট মানেই জানতো না। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं, अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में आपसे कुछ ही देर में एक रैली भी करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, वहीं पर अनुपम मौजूद भी हैं। लेकिन ये बुजुर्ग महिला जो हैं अनुपम, ये दुखद खबर है, उनकी मौत हो गई है, उनके साथ मारपीट का आरोप लगा था, अब इससे लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है और इस मौत का क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? अनुपम, অটল বিহারী বাজপেয়ী জি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী জির
पहले जो आरोप लगाए गए थे वही आरोप लगाए गए हैं कि जो पिटाई हुई थी उसके बाद मौत हुई है। फिलहाल अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं अधिकारी इस वक्त में घुस रहे हैं, कभी वो मोटर बाइक में जा रहे हैं, कभी वो टोटो में बैठ रहे हैं, कभी ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हैं। इस वक्त पीछे देखिए शुभेंदु अधिकारी एक टोटो में बैठकर यहां पर सवार होकर आ रहे हैं और ये बहुत सकरी जगह है, बिल्कुल गांव के भीतर है, रामचक गाँव है जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी इस वक्त रैली करते हुए भीतर आ रहे हैं। बड़ा ही अनुपम, हम दोबारा आते हैं क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज भी कम नहीं आ रही, लेकिन अगर शुभेंदु की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर और क्या ये संभव है कि आप उनसे बात कर सकें, क्या सवाल पूछ सकें अनुपम? बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी एक टोटो रिक्शा में बैठकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त वो रामचक गांव में पहुंचे हैं और टोटो रिक्शा में बैठकर वो पूरे गांव में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सकरी गलियां हैं, सकरे रास्ते हैं जहां पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है, तो बड़ी गाड़ी नहीं जाने के फलस्वरूप वो कभी बाइक में बैठकर घूम रहे हैं, कभी ऑटो रिक्शा, कभी टोटो रिक्शा में। तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो टोटो रिक्शा में बैठकर ये रामचक गांव पहुंचे हैं। यहां पर एक मंदिर है, मंदिर में दर्शन करेंगे। बहुत छोटी सी सभा है, बहुत छोटा सा गाँव है, लेकिन लोगों की भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर हमें देखने को मौजूद मिल रही है। फूलों की बौछार की जा रही है इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, वो अभी मंच पर आएंगे, यहाँ पर भाषण देंगे। तो और सुबह से ही आज हम देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जहाँ ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर सवार होकर वो भी गांव में घुस रही हैं, पूजा कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी भी जो गांव है, जो इंटीरियर गांव है वहां घुस रहे हैं और यहां पर जाने का, लेकिन बड़ी गाड़ी लेकर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो टोटो में या बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं। फिलहाल वो एक मंदिर में घुस रहे हैं जहाँ वो पूजा करेंगे, इसके बाद वो इस जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत धन्यवाद अनुपम। अनुपम दोबारा आपके पास आएंगे। तो शुभेंदु अधिकारी इस समय नंदीग्राम में रैली कर रहे हैं और उधर ममता बनर्जी और अमित शाह जो हैं वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। पहले राउंड के बाद जुबानी जंग काफ़ी तेज़ हो गई। अमित शाह ने 30 में से 26 सीटों का जीतने का दावा किया है पहले फेज की। तो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि आपने EVM में जाकर देखा है क्या? मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज़्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज़्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिला स्तर और प्रदेश स्तर के हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। अब गांव-गांव में जाके कहता है कि बीजेपी के वोट दो, ये आपका काम नहीं है, आप ये काम मत करो, नहीं करो, अगर आप करोगे तो हमको भी मूवमेंट करना पड़ेगा, हम आपको इज्जत करते हैं, आपको हमका अतिथि है, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपका रेस्पेक्ट आप खुद लीजिए। बीजेपी इधर में आएगा नहीं, जीतेगा भी नहीं। आप यूपी से आए तो सुन लो, जोगी का वोट इधर से नहीं होता है, नरेंद्र मोदी का नहीं होता है, अमित शाह को नहीं होता है, ये बीजेपी का वोट नहीं होता है, बांग्ला बांग्ला थकबे, बांग्ला बांग्ला के बाद 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है
तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। जगाई मोदाई गदाई, सीपीएम जगाई, कांग्रेस माधाई और बीजेपी गदाई, तीन टे एक जोट हो छे। ए एक जोटेर विरुद्धे मानुष जोट बाधुन, तृणमूल कांग्रेस एकाई एकशो, आमी एका, आमार बिरुद्धे देखुन 1000 नेता निये बसे आछे दिल्ली थेके, सब होटेल बुक करे रेखे दिएछे, सब नेतारा घुरे बेड़ाच्छे। আমি বলেছি আমি একা নই রে, তোদের ক্যালকুলেশন ভুল। আমি একা, আমার সাথে 100% মানুষ আছে, তাই আমি 101। খেলা হবে, খেলতে হবে, জিততে হবে, আর বিজেপিকে খালি করতে হবে। তাহলে মনে রাখবেন, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। अमित शाह और ममता बनर्जी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। खबर अब टीएमसी की स्टार कैंपेनर नुसरत जहां की, जिनके एक वायरल वीडियो पर बीजेपी खूब चुटकी ले रही है। इस वीडियो में प्रचार करते करते नुसरत का पारा ऐसा चढ़ा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, ये हैं टीएमसी की स्टार प्रचारक, बंगला अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां। नुसरत का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नुसरत बोलते हुए दिख रही हैं कि मैं एक घंटे से ज्यादा वक्त तक प्रचार नहीं करती, इतना तो सीएम के लिए भी नहीं करती। नुसरत जहां टीएमसी प्रत्याशी नारायण गोस्वामी के लिए प्रचार कर रही थी, उत्तर 24 परगना के गुमा में वोट मांग रही थी। तभी एक शख्स ने उनसे गुजारिश की कि रोड शो आधा किलोमीटर और जारी रखें। इतना सुनते ही नुसरत झल्ला गई, वो जीप से नीचे उतर आई और आगे प्रचार करने से मना कर दिया। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার এই ভিডিওটা নিয়ে সন্দেহ আছে। বিজেপি নে নুসরত কে ভিডিও পর জম কর চুটকি লি। বিজেপি টুইটার হ্যান্ডেল সে ভিডিও ভি টুইট কিয়া গয়া। স্থানীয় বিজেপি নেতা নে কহা কি ইয়ে তো জমিন পর উতরে সিতারো কা ড্রামা হ্যায়। সে অভিনয় জগৎ থেকে মানুষের সেবায় আসেন, এটা খুব ভালো কথা, কিন্তু অভিনয় জগতে এখানে এসে সেই নাটকটা অনেকে ধরেই রাখেন। নুসরত জাহান টিএমসি কি স্টার ক্যাম্পেইনার হ্যায়, সংসদ মে টিএমসি কি লোকপ্রিয় চেহারা ভি হ্যায়। वो पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर बोलती रही हैं, लेकिन इस वीडियो में उनके तेवर देख लोग हैरान रह गए। कोलकाता से दीपक देवनाथ के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।